दिल में हाँ और मुंह पर ना, यही चल रहा है शहजादी रजिया के मन में अल्तुनिया के लिए, क्यों सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा आपने, यही कश्मकश है उनके दिमाग में। इस कश्मकश में काफी सुनामी बह रही है आंसू। अरे बहुत बह रही है, इनके जाने के बाद तो मतलब पूरा का पूरा दरिया भिज गया यहीं पे। बट दैट्स व्हाट की द लॉन्गिंग इज सेटिंग इन नाउ। रजिया का प्यार आखिर आपको खींच लाया है यहाँ पे दिल्ली? हाँ, रजिया का प्यार खींच लाया। रजिया ने पहले तो दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के बेइज्जती की क्योंकि इनके अपने रीजन थे उसके लिए, और इसको उठा के बाहर फेंकवा दिया इसके मुंह पे सिक्के मार के। बट हमारी मजबूरियों को नहीं समझा इन्होंने, ये समझा इसलिए वापस आए, और अब भी इनकी मजबूरियां समझ रहे हैं इसलिए बार बार इनके पीछे पड़े हुए हैं, जवाब मांगने आए, वापस जवाब मांगने आए। और मजबूरियां तो इनकी खुद की भी हैं। वो एक शेर है ना, मेरे को इस पर याद आ रहा है अगर मैं सही बोल पाऊंगा तो, कि कुछ उनकी भी रही होंगी मजबूरियाँ, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो ये इन्होंने हमको बाहर फेंक दिया है, और अब क्योंकि जब उसको बंजारा ने बोला है कि इसके दिल में कुछ और है, तो ये आया है जवाब मांगने, और जब तक जवाब नहीं देगी तब तक यहीं रहेगा, और अगर फिर भी जवाब नहीं दिया तो फिर आप आने वाले एपिसोड्स में देखना कि क्या करता है। रजिया के प्यार ने शायर बना दिया, शायर तो पहले से थे और अच्छा शायर बना दिया, पहले और तरह की शायरियाँ करते थे और अब किसी और तरह की शायरियाँ करते हैं। क्या लगता है क्या जवाब देगी रजिया? जवाब रजिया का थोड़ा सा मुश्किल है, पता नहीं क्या जवाब देगी क्योंकि उसको गद्दी चाहिए, फिलहाल तो वो प्यार में है बट उसको गद्दी चाहिए। जी नहीं, और जवाब वो क्या देगी ये हमारी ऑडियंसेस को, जवाब वो क्या देगी वो तो, रजिया को गद्दी बिल्कुल नहीं चाहिए, फिलहाल तक तो कोई जवाब नहीं दिया इसलिए रजिया को अभी आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। रजिया प्यार या राजपाट क्या चाहिए? रजिया को राजपाट कभी भी नहीं चाहिए। पूरे शो के दौरान रजिया इज वन कैरेक्टर जिसको सुल्तान बनने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्टोरी ऐसी है कि कॉन्सिक्वेंसेस उसको सुल्तान बना देते हैं, तो उसके मन में कोई चाह नहीं है कि वो चाहती है उसका भाई बने ऑल द वाइल, बट शी डज नॉट वॉन्ट कि किसी भी तरह से दिल्ली सल्टनेट को हार्म हो। सो दैट इज़ व्हाट शी इज ट्राइंग, नॉट इन द यू नो लालच ऑफ द गद्दी जो कि मिर्जा को लग रहा है अभी से। जवाब क्या देगी? जवाब तो कभी नहीं देगी ना, इसलिए जवाब देगी, जरूर देगी, ऑफकोर्स देगी, पर वो आपको पता चलेगा नाटक मत करो। क्या कैसे लग रहे दोनों की केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे स्क्रीन शेयरिंग कैसा लग रहा है? स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन सेम है एक्चुअली, सेम है ऑलमोस्ट, कंफर्ट लेवल सेम है, कंफर्ट लेवल सेम है क्योंकि फिर मैंने जैसे पहले कहा कि दोनों प्रोफेशनल्स हैं और मजा आ रहा है शो करने में क्योंकि जब लोग आपका काम पसंद करते हैं तो आप और भी अच्छी तरह से उस काम को करते हैं और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट आल्सो द वे जिस तरह से लिखा जा रहा है ऑडियंसेस से पहले, वी आर सो एक्साइटेड टू रीड कि क्या सीन आया होगा एंड कैसा आया होगा, एंड जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं लाइक द एंटायर टीम हियर, लाइक वी पुटिंग इन आवर हार्ट एंड सोल, पूरे दिन पंखे चलते रहते हैं, हवाएं उड़ती रहती हैं हमारे सेट पे, सो द माहौल ही इतना, सेट पे रहेगी तो पंखे तो चलेंगे ही, मतलब शहजादी है तो, सो आई एम टेलिंग यू लाइक वी आर लिटरली एंजॉयिंग सो मच करते हुए कि वी क्वाइट श्योर कि ऑडियंसेस भी उसको लाइक करेंगे, देखकर बहुत मजा आ रहा है। जैसा हम लोग भी चाहते हैं कि आगे के सीन्स में कैसा होना चाहिए, डायरेक्टर्स भी मेहनत कर रहे हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं और राइटर्स इतने अच्छे डायलॉग्स लिख रहे हैं, इतने अच्छे सीन लिखते हैं कि वो मेकअप करते करते हमको पता चल जाता है कि सीन कैसे होने वाला है और किस तरह से करने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को पसंद आ रहा है तो हमको मोटिवेशन मिल रही है और भी बेटर करने की। चलिए क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? फैंस यही कहना चाहेंगे कि रजिया की जोड़ी जो नाम आपको दुनिया और रजिया की जोड़ी अलजिया को अभी तक काफ़ी लव मिल रहा है, वी वांट कि ऑडियंसेस हमें और देखें और सराहें, एंड सोशल मीडिया साइट पर हम दोनों एक्टिव हैं, लेट अस नो दैट व्हाट यू वांट टू सी मोर एंड क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, एंड कीप लविंग अस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। जाते जाते अपने उन फैंस के लिए एक सेल्फी तो बनती है, सेल्फी बनती है तो सेल्फी करते हैं।